الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا नमाजों को नफ्तवाई है माना मुराद, यानी अल्लाह ताला ने तौहीद के बाद तरीक़े तौहीद पर यकीन ईमान रखने के बाद उस शख्स को सबसे पहला हुक्म जो उसकी ज़िंदगी के आखिर तक उसके ऊपर लाजिम ज़रूरी और फ़र्ज करार दिया है वो है नमाज। न सिर्फ फ़र्ज करार दिया है बल्कि जगह जगह कुरान में इसी लफ्ज़ के साथ यहाँ पर अकीमुस्सलात और जगह जगह अकीमुस्सलात 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 कि आप नमाज को नमाजों को पाबंदी के साथ उस पर कायम रहिए नमाज के अदायगी के लिए, यानी नमाज को उसके वक़्त पर नमाज को जिन औकात के साथ जोड़ दिया गया है उन औकात में और जिस वक़्त में जो नमाज है उस नमाज को उसी वक्त पर अदा करने की पाबंदी पर कायम रहिए। उम्मत को भी जगह जगह हुक्म अकीमुस्सलात नमाज को नमाजों के औकात के अंदर पूरी पाबंदी के साथ उसको अदा कीजिए। नमाज जिक्र कर कर पांच नमाजों की वजाहत मुख्तसर अल्फाज में यूं फरमाया लिदुलू की शम्स इला गसक़ लैल, सूरज के डूबने तक और रात की तारीकी छा जाने तक नमाज ज़ुहर नमाज असर नमाज मगरिब और रात की तारीकी में नमाज ईशा इन नमाजों को इनके औकात के ऊपर, यानी ये छूटने ना पाए। सबसे ज्यादा अहमियत देते हुए इसमें चार नमाजें आ गईं, जुहर असर मगरिब सूरज के डूबने तक। गसक़ लैल ईशा की नमाज आ गई, या एक और तरीके से सूरज डूबने तक जुहर असर की नमाज हो गई। गसक़ुल लैल रात की नमाजें, रात शुरू हुई मगरिब से नमाज मगरिब को नमाज ईशा को, अरबी इस्तेमाल में अरबों के पास इस्तेमाल में नमाज मगरिब को ईशाए उला पहली ईशा की नमाज, नमाज ईशा को ईशाए अखीरा दूसरी और आखिर नमाज, कभी नमाज ईशा को हादिस में सलातुल आतामा तारीकी छा जाने के बाद,
इन नमाजों को उसके वक्त पर पाबंदी के साथ उस पर कायम और बाकी रही है। इसमें बीसियों मसाइल हैं, वजाहत बड़ी तवील तफसील है, इनका इख्तिसार के साथ बयान हो रहा है। साबिक आयतों के मज़मून को सामने रखने के बाद जो हर तरफ से हर लम्हा हर वक़्त न दिन में चैन न रात में सुकून, इस्लाम इस्लाम के ऊपर कायम रहने वालों पर इस्लाम के मुखालिफीन गैर मुसलमानों की नज़र ताक में लगे रहना, हर किस्म का नुकसान पहुंचाना, ज़िंदगी के हर लम्हा तंग कर देना, बल्कि अपने महबूब वतन में भी इत्मीनान और सुकून के साथ नहीं रहना बल्कि निकल जाना, चुनांचे अल्लाह का हुक्म हुआ दीन की बखा के लिए दुनियाई असबाब के लिहाज से दुनिया के कौमों के लिहाज से अगर तुम्हें नकल मकाम करना पड़ सकता है तो कर दो। चुनांचे उस वक़्त सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर हिजरत का हुक्म अल्लाह ताला ने दे दिया, लाजिम कर दिया। तुम अपने घर की परवाह ना करो, अपने कारोबार का लिहाज मत रखो, दुनियाई नुकसान की परवाह ना करो। अज़ीज़ो अक़ारिब की जुदाई और बेताल्लुकी से ज़्यादा दुख दर्द वाली कैफियत रखने की ज़रूरत नहीं, बस अल्लाह ताला के हुक्म को अल्लाह के दीन को अल्लाह की इताअत को मलहूज़ रखते हुए उसके बाद फौरी ये जिक्र किया। अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार तुमको अपना रब पाने के लिए दाइदे खुदावंदी पाने के लिए अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने दीन की हिफाजत पर कायम बाकी रहने के लिए रब्बुल इज़्ज़त की जो ताइद मदद होगी, तुम सबसे पहला लिहाज रखोगे, नमाजों को उसके वक़्त पर पाबंदी के साथ अदा करोगे, पाबंदी में भी ये जमात का लिहाज रखो, इसलिए कि जमात के साथ नमाज जो फर्ज शरीयत करार पाई वो जमात के साथ, शरीयत जो करार पाई जमात के साथ, फर्ज नमाजें शरीयत करार पाई जमात के साथ, आमदन नहीं सहवन गफलत से गलती से जमात न मिलती हो, जमात न मिलती हो तो उस वक़्त में नमाज को अदा करना, ये भी अदा है वो भी अदा है, फ़र्क अलग अलग है, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है दो नमाज में, नमाज तो अदा हुई फ़र्क के साथ। एक नमाज को दस नमाजों का सवाब अल्लाह ने फरमा दिया, इन फजीलत में जमात के साथ जो अदा की गई, और वो शख्स जो तन्हा अदा किया वक़्त पे अदा किया तो गोया 27 मरतबा नमाज पढ़ने के सवाब को छोड़ दिया, उससे महरूम हो गया। अहादीस में वजाहत बता दी गई 27 दर्जा सवाब से वो महरूम हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी हयात में औरतों को भी मस्जिद में नमाज के लिए जमा होने की इजाज़त दिया, वो इजाज़त आज भी है। साहबा में कोई हाजिर नहीं होता, गायब होने की वजह दरियाफ्त होती, कोई एक वाकया भी हदीस नहीं मिलती कि फलां औरत आज जमात में क्यों हाजिर नहीं हुई, ऐसा नहीं, सिर्फ इजाज़त दी गई। फिर इरशाद फरमाया
औरतों के लिए नमाज अपने घरों में अदा करना अफजल है, बेहतर है। इसके खिलाफ सोच और फिक्र रखना अफजलियत को ख़त्म करवाना है, अफजलियत को ख़त्म कराना है। लेकिन मर्द हजरात के लिए जमात की अहमियत के लिए हुक्म जारी किया गया। अब रहेगा जिक्र एक और नमाज का, जोर से इशा तक का तो तस्किरा मिला, वो कुरान अल फज्र, फजर की नमाज। नमाज को अल्लाह ताला ने कई नाम दिए कुरान में, कहीं तो फरमाया वरकाऊ यानी अफीम सलात। नमाज के अंदर जितने चीज़ें लाजिम ज़रूरी और फर्ज हैं उनमें से किसी एक चीज़ का जिक्र करके वो पूरी चीज़ मुराद लेना। ये हर ज़बान में तरीक़े इस्तेमाल है। कहीं जिक्र फरमाया वरकाऊ नमाज पढ़ो, कहीं फरमाया क्या वसजुदू नमाज पढ़ो, कहीं बताया कि अकीम सलाता क़याम नमाज में फ़र्ज है। इसी तरह नमाज में कुरान का पढ़ना फ़र्ज है, वो कुरान अल फज्र है, सलातुल फज्र, फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो। जमात के साथ उसको अदा करो, वजह खसूसियत हमारी फजर की नमाज मशहूद माने हाजिर मुशाहिदा करने वाले। अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा फरिश्तों की जमात जो हर मुसलमान के साथ रहती है, जिसका सूर्य रात में फर्क है, जिक्र है, हफ़ज़ा, ये रात भर की ड्यूटी ख़त्म करते हैं, फिर उस इंसान आमतौर पर नमाजी ख़ास तौर पर जो सुबह से शाम तक अब उसकी ड्यूटी संभालने वाले हैं, ये फरिश्ते आके जायज़ा लेते हैं। तो गोया हर वक्त बारा रहे, ये अब निकलने वाले ये आने वाले दो जमातें होंगी फरिश्तों की। जब ये नमाज अदा करोगे दीगर रिवायतों की वजाहत तफसील के मुताबिक जिसको मुफस्सिरीन ने कई रिवायतें नकल फरमाई हैं, तो रात वाले फरिश्ते जब जाते वक्त पर इस नमाज फजर को रात की इबादत में दर्ज कर देते हैं, और दिन वाले फरिश्ते जो शुरू हो रहे हैं वो दिन की इब्तदाई नमाज में दर्ज हो जाते हैं। रिवायत में इतना ही जिक्र है ही होगी, सादी सीधी समझ से अब अपनी तरफ से, क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड में लिख रहे हैं जो अपने रब के पास पहुंचेगा, ये अपने रिकॉर्ड दिन के आमाल में नकल कर रहे हैं, वो रात के आमाल में नकल कर रहे हैं। तो इस तरह वो एक नमाज रात वाले किताबचे में रिकॉर्ड में भी आई, दिन वाले रिकॉर्ड में भी आई, जबकि आपने एहतमाम किया एक ही नमाज का। मुल्के यमन को नुमाइंदे बनाकर भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान करने के लिए, फरमाया कि जब वो लोग इस्लाम की हकीकत को जानकर इस्लाम कबूल कर लें, तौहीद उसके तकाज़ों के मुताबिक
अखीदे का इजहार करते हैं तो उनसे कह देना कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर दिन रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई नहीं। तो दीन के ऊपर अकीदे तौहीद पर कायम और बाकी रहने की दलील, अलामत, सबूत और मुशाहदा नमाजों को नमाजों के औकात में पाबंदी के साथ अदा करना, ख्याल रखकर, अहमियत देकर नमाज जमात छूटती है तो ज़मीर मलामत करने लगना, गम होना, अफसोस होना, इस्तग़फ़ार करना, माफ़ी तलब करना, क्योंकि हुक्म के मुताबिक वक़्त के ऊपर वक़्त में अदा हुई, वक़्त में तरीक़ा जो बताएगा उस तरीक़े से के साथ अदा नहीं हुई। इसलिए क़ानून इस्लाम की किताबों में इसको जमात के साथ नमाज अदा किया वक़्त पर तो उसका नाम दिया इन्होंने अदाए कामिल। वक़्त पर पढ़ा, जमात नहीं मिली, तन्हा अदा किया तो उसको नाम दिया अदाए खासिर, खुसूर, कमी के साथ। कमी क्या है अभी वजाहत कर दी गई, 27 दर्जे सवाब से महरूम रहा और अदा हुई महरूमी के साथ, नुकसान के साथ। दूसरे है कि मस्जिद में एक मरतबा जमात हो जाने के बाद दोबारा जमात नहीं बनाई गई। मस्जिद के महल्ले वाले नहीं बनाई, इसलिए कि जमात की अहमियत घट जाएगी। हुक्म खुदावंदी को उसका दर्जा आपने दिया नहीं। सिर्फ आनाफ में हज़रत अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, उन्होंने कहा कि अगर जमात बनाने की ज़रूरत पड़ी तो जहाँ पर खड़े रहकर जमात हुई है उससे हटकर एक इजाज़त उनके पास है, लेकिन मकामी अफराद ने गैर मकामी अफराद की आमद हो गई, उनको पता चला कि जमात हो गई है तो वो जमात बना सकते हैं, उनकी जमात में महल्ले वाला भी शरीक हो गया तो वो बराबरी में हो जाएगा। वरना जमात छुट्टी तो छुट्टी, हम दो हैं ना, हम चार हैं ना, चलो अलग जमात बना लेंगे। रस्म की तकमील करना अलग चीज़ है, तरीक़े को, उसकी अहमियत, ये सब करना क्यों है? इताअत के तौर पर इबादत को मलूज रख के अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए, ईमान पर कायम रहने का, मुतबे फरमा बरदार होने का बताए हुए तरीक़े के साथ कर कर सबूत मुजाहरा करके दिखलाने के लिए। किसको दिखलाना है? फरिश्ते तो रखें अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने फरिश्ते तो रखे हैं, ये वही फरिश्ते हैं जिन्होंने कहा था इंसान बड़े खता करता है, गलतियां करता है, ऐसी मखलूक को आप पैदा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला बार बार मुशाहदा हर हर चीज़ का फरिश्तों को करवाते हैं, देखो इन बंदों में, इंसानों में मेरे हुक्म का लिहाज रखने वाले, मेरा खौफ अपने दिल में रखने वाले, हुक्म को हुक्म समझकर बजा लाने वाले, जबकि उनके अंदर मिजाज छोड़ने का भी हमने रखा है, मुशाहदा करवाना।
तो नमाज फजर में सारे मशहूद हाजिर रहते हैं, फरिश्ते हाजिर रहते हैं। दूसरे वो वक़्त बड़ा ख़ास होता है, देखो रात की तारीकी कैसा हट रही है, कौन हटा रहा है, अब दिन की रोशनी कैसे निकल रही है, निकलने वाली है, रात को हटा कर दिन को लाने वाला कौन है। हुजरत का खास मुशाहिदा करने का वक़्त है। मज़ेदार चीज़ें, नींद मौत की किस्मों में से एक किस्म है। अल्लाह यतवफ़ल अन्फुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। वीसियों बंदों के लिए हम मौत को, जो रात में सो जाते हैं नींद में रहते हैं उसी वक्त उनकी रूह को कब्ज कर लेते हैं, जब सो गया तो उठ नहीं सकता, मकसद उठाते भी जो सोते रहता उठते रहता है, हमेशा रहने वाला नहीं, उसकी भी एक मुद्दत मुकर्रर है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। या अल्लाह ताला का इरशाद है। तो सुबह में इस उठने के वक़्त पर ये भी एहसास दिला दिया गया कि देखो आज रात नींद में तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं किए, ज़िंदगी को बाकी रख कर फिर तुम्हें लौटा दिया गया, तुम्हारी हयात और एक दिन की और आगे बढ़ी। ये मुशाहिदा और एहसास पैदा करवाता है नमाज फजर। अब दूर से इस रिवायत में लफ्ज़ कुरान आ गया है, सुबह के वक्त की तिलावत इसका भी मुशाहिदा फरिश्ते करते हैं। सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना ये ख़ास गवाह अल्लाह ताला आपके सिरात के ऊपर रखते हैं, ये बड़ा सवाब है। ये सारे मफहूम हैं, किसी में तजाद नहीं, इख्तलाफ नहीं। तो पांच नमाजें पढ़ सकते, और उस मंजर में जो साबिक आयतों से इसको जोड़ रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, जब ज़िंदगी दुश्वार से दुश्वार होते रहती है, दुनिया का ताल्लुक हो जाए, इसलिए कि दुनिया जन्नत का नाम है, हमेशा राहत और खुशहाली मिलेगी। इन तमाम परेशानियों से दूर करने वाली अगर कोई चीज़ है तुम्हारे लिए, हर सूरत में लोग आते हैं ये हो गया दुआ बताइए मेरे कारोबार चल जाए फला कर दे, रब्बुल इज़्ज़त ने तरीक़ा जीने का सिखला दिया बतला दिया, मशक्क़तों को हटाने के तरीक़े बता दिए, बस नमाज के ऊपर पाबंदी के साथ कायम हो जा, तेरे पैदा करने वाले से अपने आप को जोड़ दे और अपना राबिता और मजबूत करता चला जा, पैदा उसने किया है बाकी वो रखा है, अब तक ज़िंदगी देने वाला वही था, दिया हुआ है अब इस वक्त तो उसके फजल व करम से ही बाकी है, बस उससे रुजू हो जा। सैयद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर के इरशादात हैं, जब मुझे ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला कुछ फरमाए और मैं सुनता चलूँ, अल्लाह मुझसे कलाम फरमाए, मैं अल्लाह के कलाम को बड़े अदब व एहतमाम के साथ सुनूँ, तो वजू करता हूँ, रकात बांधकर नमाज में लग जाता हूँ, तो नमाज में कुरान का पढ़ना ज़बान आपकी है, दरअसल अल्लाह ताला कलाम फरमा रहे हैं आप सुन। और जब मैं अपने रब से बात करना चाहता हूँ, कलाम करना चाहता हूँ, तो वजू करता हूँ,
कुरान खोलता हूँ, तिलावत में लग जाता हूँ। जब ये बात हुई तो तिलावत के आदाब कैसे हो गए? रब के सामने पाकी के साथ पेश होना है, पूरे अदब के साथ होना है, पूरी तवज्जो के साथ होना है। इस कलाम पाक को पूरा तकद्दुस अदब एहतमाम का पूरा दर्जा देना है। जो सारी कायनात का खालिक और मालिक बशमूल आपका खालिक और मालिक है और राजिक है, आपको जिंदा रखने वाला है। ये पांच नमाजें फर्ज हैं। उसके साथ इरशाद फरमाया वमिन अल्लैली फतहज्जद भी, रात के एक हिस्से में कुछ वक्त, इस रात के हिस्से में नींद को हटाइए, बारगाह रब्बुल इज्जत में नमाज अदा कीजिए। तहज्जुद के लफ्जी माना याद है, सादा सीधा तर्जुमा नमाज तहज्जुद पढ़िए, नमाज तहज्जुद अदा कीजिए। उर्दू में तर्जुमा इतना ही लिखेंगे, मेरी बहस के बाद खुलासा उतना ही निकलेगा। वरना उस लफ्ज़ के अंदर ये कह सकते थे मिन अल्लैली अक़िमिस्सलाता, रात के एक हिस्से में भी नमाज पढ़ी, ऐसा नहीं पढ़ना। वतहज्जद भी, नींद को हटाइए, नींद से बेदार हो जाइए, नींद से उठिए, फिर नमाज अदा कीजिए। नफिल के माने जायद आते हैं, नाफिल तल्लक ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पांच नमाजों के ऊपर एक नमाज और जायद है, लक खास तौर पर आपके लिए, यानी आप पर फर्ज, आप पर फर्ज। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासुन अलैया फरीज़तुन अल्वित्रु अल्वित्रु वस्सिवाकु, सिवाक मिसवाक करना, अल्वित्रु ऐ सलातुल वित्र, अस्सिवाकु क़ियामुल लैल तहज्जुद, वलकुम सुन्नतु। मोमिनों से मुसलमानों से फरमाया मेरे लिए तीन चीज़ें ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने लाजिम ज़रूरी फ़र्ज करार दिए हैं, मेरे लिए फ़र्ज हैं और तुम्हारे लिए सुन्नत है। तुम्हारे लिए सुन्नत है, नमाज़े वित्र मेरे पर फ़र्ज है, कि हम सारे आना आपके पास वाजिब है। दीगर रिवायतों से वजाहत है, यहाँ पर तहज्जुद से मुतालिक जिक्र करने के लिए रिवायत जिक्र कर रहा हूँ। नमाज वित्र वाजिब है, छूटने पर सजा करना है। ये सब आना हनफियों के पास ये है, गैर आना आपके पास पढ़ते हैं सुन्नत के दर्जे में, अगर छूट जाए तो सुन्नत की खजा नहीं है, ज़्यादा खजा नहीं करते और पढ़ते सब सुन्नत में उतनी अहमियत है। इसी तरह मिसवाक लाजिम और फर्ज है। हत्ता के वक्त वफात के वक्त भी इशारा फरमाते जाते थे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मिसवाक अपने दांतों से नम कर कर आपको मिसवाक क्या करती थी। मिसवाक के अहकाम बड़े तवील तफसील है, खुलासा ये इबादत के वक़्त पर फरिश्तों को हाजिर रखते हैं, ज़िक्र खुदाबंदी मुँह साफ़ है,
दिन भर चलने की खाने की पीने की इजाज़त है, वक्त नमाज मुँह साफ करना। मिसवाक नहीं है तो ये भी हुक्म आया, उंगली को मिसवाक के तौर पर कोशिश करो। मिसवाक का काम करने वाली जितनी चीजें सब कर सकते हैं। मिसवाक की खसूसी लकड़ी तो है, उसके सिवा जैतून की लकड़ी फुला फुला, चलो नीम के दरख्त की लीजिए लीजिए, अब इसके आगे बोलने की ज़रूरत नहीं, नहीं मैं आप ब्रश कर लेता हूँ, कर लीजिए कर लीजिए। ये लाजिम और फर्ज हैं रसूल सब के लिए, उम्मत के लिए सुन्नत है। एक तर्जुमा ये मतलब है, लेकिन अरबी कवायद के लिहाज से ताबईयों में से दो ताबई हैं, अबू क़तादा एक हैं, हज़रत मुजाहिद एक हैं, जो हज़रत इब्न अब्बास के शागिर्दों में से हैं। ये कहते हैं कि अरबी में लाजिम का तर्जुमा करना है तो अलैका आता, वतहज्जुद भी नाफिलतन अलैका नहीं फरमाए, लका फरमाए, जैसे लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। शुरू में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ते, बाद में आपके लिए भी एक ज़ायद के तौर पर है। ये और बात है कि कभी आपने छोड़ा नहीं, अलग बात। खैर, आपके लिए ज़रूरी, उम्मत के लिए सुन्नत, क्यों क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ज़ायद है, आपके दर्जात में इजाफा करने के लिए। दर्जात के इजाफे का इसके बाद वाली आयत से कर आने वाला है। आपके दर्जात में इजाफा करने के लिए उम्मत के लिए जो रात की नमाज है, गुनाहों का कफारे के लिए, जो दिन भर की पांच नमाजों के अंदर बेअदबी हुई हो, पूरा एहतमाम ना हुआ हो, खताएं रही हो, पूरी तवज्जो यकसोई ना रही हो वगैरह जैसी कमियों को दूर करने के लिए, जैसे रमज़ान के रोज़े हैं, पूरा महीना रोजे, इधर रमजान खत्म हुआ, शव्वाल की पहली तारीख सूरज शुरू हुआ, अव्वल वक्त में वाजिब कर दिया गया फितरा निकालो, ये रोज़ों का सदका है। रोज़ों के अंदर जो तकाजा रब्बुल इज़्ज़त का है, उसमें एहतमाम की जो कमी हुई है, बवास से बतुफैल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत के लिए मेहरबानी कर दी गई कि सारे 30 रोज़ों के अंदर जो कमी हुई है, खताएं हुई हैं, बेअदबी हुई है, उन सारी के सारी चीज़ों को दूर करने का कफ़ारा ज़रिया सदक़ा। इसी तरह दिन रात के पांच नमाजों के अंदर जो कमी रह गई है, बेअदबी रही है, एक सुई नहीं रही है, ये सब गुनाह ही है, ये सब गुनाह है, तो गुनाहों का कफारा है उम्मत के लिए। तीसरे, ये रात के आखिर हिस्से में रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तवज्जो और इनायत मखलूक पर ज़्यादा तौर पर होती है, उसको हासिल करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, रात को तीन हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, कभी रात छोटी होती कभी बड़ी होती। अगर रात 12 घंटे की है, चार चार घंटे में तकसीम कीजिए, सूरज डूबने से लेकर 8 घंटे हटाइए, आखिर के 4 घंटों में वो वक़्त में ख़याम लैल जो तहज्जुद वगैरह जो है उस वक़्त में पढ़ना अफ़ज़ल है। अलग मसला पूछते हैं, तहज्जुद का वक़्त कब से है? नमाज इशा की फरागत के बाद से लेकर
सुबह की फजर की नमाज का वक़्त शुरू होने तक इतना पूरा वक़्त ये तहज्जुद की नमाज अदा करने का वक़्त है। लफ्ज के अंदर जो तहज्जुद है, थोड़ा आराम ले लिया जाए, नींद को ख़त्म कर कर नींद से बेदार होकर अदा किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिर हिस्से में, यानी तीन हिस्सों में बांटते, शुरू से आखिर में इसका अहतमाम करते, आठ रकातें पढ़ना है। आठ से ज़्यादा का भी जिक्र है, कम का भी जिक्र है। आपको वक़्त नहीं मिलता है, ऐसा हुआ है, कम से कम दो रकात तो जो पाबंदी पर पूरी तरह कायम है मजबूती के साथ, वो तहज्जुद के बाद भी तर पड़े। तहज्जुद छूटने का इम्कान हो सकता है तो इजाज़त है, इशा के बाद भी तर पड़ ले, फिर तहज्जुद के लिए उठे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल ऐसा ही था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किए, तुम क्या करते हो? इशा पढ़ता हूँ तहज्जुद के लिए उठकर, तहज्जुद पढ़ने के बाद वितर पढ़ता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसी करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, एक डर, एक एहतमाल रखता हूँ कि अगर ख़ता हो जाए, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ ना सका, कभी ख़ता हुई, ऐसा हुआ नहीं, मगर एहतियात उन्होंने इख्तियार की थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वितर पढ़ लेता हूँ इशा के बाद, फिर तहज्जुद के लिए जब उठता हूँ, तहज्जुद बोलो ख़याम लैल बोलो की बात। सैयदना उमर ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु ने, क्या मजाल के मैं ना उठूँ? ये हो ही नहीं सकता, मेरे से गफलत हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी भी तारीफ़ फरमाई, उनकी भी तारीफ़ फरमाई, ए अबू बकर, तुमने रुख़्सत, इजाज़त, सहूलत वाली चीज़ को इख्तियार किया, बहुत अच्छी है। और तुमने अजीमत, जिसको शायद अंग्रेज़ी में फर्म डिटर्मिनेशन कहते हैं, मजबूत इरादे के साथ, मजाल है कि ना, ना करना है तो करना ही, तुम्हें अज़्म को इख्तियार किया, और अज़्म वाली चीज़ें बड़ी होती है। आसा आई अब आसा का रबों का, अब इससे ज़िमन में अब आप हर उम्मती को समझ जाओ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास, कि अल्लाह ताला आपको खबर से उठाएगा, उठते मुकाम महमूद पर ले उठाएगा, आपको उठाएगा आपका रब मकाम महमूद के लिए, जो शफात की करेंगे उम्मतियों के लिए, जिस जिसके लिए, बड़ी तवील तफसील। जब इस ज़िमन में उम्मतियों के लिए भी सुन्नत है, तो उसके मकाम और दर्जे को बढ़ाने वाली चीज़, अपने रब से करीब तर करने वाली चीज़, पंच वक्ता नमाजी वाले के लिए तहज्जुद का एहतमाम, और सारी मशक्क़तों को, अपनी दुआओं को कबूलियत का दर्जा हासिल करने के लिए क़ियाम लैल, तहज्जुद की नमाज और उसका एहतमाम। अगर तासीर फुलाएँ कम से कम दो रकात, चार भी पढ़ सकते हैं, छः पढ़ सकते हैं, आमतौर पर आठ पढ़ने, दस का भी जिक्र है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बारह का भी जिक्र है, यानी पंद्रह रकात पढ़े, इसमें वितर के तीन, बारह तहज्जुद के, कभी तेरह पढ़े, दस क़ियाम लैल के, तीन वितर के, अक्सर ग्यारह पढ़े, आठ इसके, ना इसके, कभी पाँच पढ़े, यानी तीन वितर के, दो इसके, कभी सात पढ़े, तीन वितर के, चार इसके, लेकिन आठ की कोशिश करना, ये मुतवस्सित है, कम से कम दो भी पढ़ी जा सकती है। उसके बाद दीगर फजीलत वाली चीज़ें आगे जाती हैं। सुभान अल्लाह।